नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बेरोजगार टेट पास अध्यापक हैं, जो पंजाब टेट पास बेरोजगार अध्यापक हैं, वो अपनी नई भर्ती मीन्स की नई रिक्रूटमेंट को निकलवाने के लिए 22 फरवरी को जो कैप्टन के मोती महल का घेराव करने जा रहे हैं। तो सभी जो भी टेट पास अध्यापक हैं, उनको जो टेट पास यूनियन है उनके द्वारा जो सभी को अनुरोध किया गया है कि सभी इस धरने प्रदर्शन में उनका साथ दें, टेट पास यूनियन का साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर्स को निकलवाया जा सके। तो सभी जगह इस न्यूज़ को जो चलाया गया है, जैसे कि प्रिंट मीडिया हुई और सोशल मीडिया हुई, तो जो भी टेट पास जो यूनियन है, पीएच टेट पास यूनियन है, चाहे वो ईटीटी की यूनियन है, चाहे वो बीएड टेट पास यूनियन है, सभी के द्वारा जो अनुरोध किया गया है, जितने भी टेट पास कैंडिडेट्स हैं पंजाब में, उनको अनुरोध किया गया है कि आप उनका साथ दें। अगर आप सभी जितने भी पीएच टेट पेपर 1 या पेपर 2 पास कैंडिडेट्स हैं, अगर यूनियन का साथ देंगे और इस धरने प्रदर्शन में उनके साथ जो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो ही पोस्टें ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकती हैं। और सभी का सिलेक्शन तभी होगा अगर आप कोशिश करेंगे, और कोशिश से ही पोस्टें निकलेंगी। चाहे वो पिछली भर्तियां देख लीजिए, चाहे वो 2016 की भर्ती देख लीजिए, चाहे उससे पिछली 3186 की भर्ती देख लीजिए, जितनी भी भर्तियां आई हैं सभी में जो पिछले कैंडिडेट्स थे उन्होंने बढ़ चढ़कर, मीन्स कि अगर 15,000 टेट पास है तो 15,000 के 15,000 जो शामिल हुए ग्रुप के अंदर, और सभी ने धरने प्रदर्शन किए तभी जाकर पोस्टें निकली थी। तो अब भी जो टेट पास यूनियन की तरफ से ये अनुरोध किया जा रहा है कि जितने भी हैं, घरे में घरों पे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही सरकार के कान पे जू रेंगेगी, ना ही पोस्टें आएंगी। अगर आप सभी सभी के सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका साथ देंगे तभी पोस्टें आएंगी। अगर आप अपने घर से जाकर पटियाला में टेट पास यूनियन के जो कैंडिडेट्स हैं, जो यूनियन के मेंबर हैं, वो 22 फरवरी को सुबह आपको मिल जाएंगे, उनके साथ आप मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस धरने प्रदर्शन में उनका साथ दें, ताकि सरकार के कानों तक जो टेट पास जो अध्यापक हैं इनका दुख पहुंच सके, और सरकार इनकी बातों को सुने और नई जल्दी से जल्दी एक बड़ी भर्ती को लेकर जल्दी जल्दी से उनका नोटिफिकेशन है वो जारी करे। तो सभी से अनुरोध किया जाता है, जितने भी पीएच टेट कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके साथ मिलें। देखिए, अगर ये सोचेगा कोई भी कैंडिडेट कि मुझे क्या कभी दूसरे कैंडिडेट चले जाएंगे तो उनसे भी काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सभी को जाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स वहाँ धरने प्रदर्शन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा संख्या में पोस्टें निकलेंगी। अगर आप 15,000 जाओगे तो चांसेस हो सकते हैं कि 10,000 पोस्टें निकल जाएं, अगर आप 7,000 जाओगे तो चांसेस हो सकते हैं 2,500 पोस्टें निकल जाएं। तो कैंडिडेट्स पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि राजनीति भारत में अब वोट बैंक की राजनीति है। जहाँ भी इनको वोट बैंक दिखेगा, वोट बैंक की तरफ ही राजनीति आगे जाएगी। अगर दो व्यक्ति खड़े हैं और एक तरफ 20,000 व्यक्ति खड़े हैं, तो सरकार है वो 20,000 व्यक्तियों की तरफ जाएगी, ना कि दो व्यक्तियों की तरफ। क्योंकि सरकार को जो मेन मकसद है वो वोट बैंक को अपनी तरफ अग्रसर करने का, मतलब है कि हमने वोट बैंक को अपनी तरफ लेकर आना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाए, जो हमारी जो बहनें हैं जो पीएच टेट पास है वो अपने माता पिता को भी साथ लेकर जा सकती हैं, ताकि उनको पता चले कि इनके घर वाले भी परेशान हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।